स्क्रिप्ट सेव कर देता हूँ मैं इसको .html, तो राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, मैं कॉपी फाइल पाथ करूँगा और html लिख के टैब दबाऊँगा, यह पूरा जो है बन जाएगा। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं आऊंगा पेस्ट करके कर दूंगा एंटर, तो हमारा चल गया, ये वाला फाइल रन हो गया। तो ऑपरेटर के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। जब जो भी हम अब तक प्रोग्राम हमने करा है उसमें क्या होता था, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता था। जैसे यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इक्वल टू 10, फिर लेट बी इक्वल टू 10, फिर मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग में आया, ए प्लस बी करा मैंने और यहां पे माइनस कर दिया। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप जानते हैं क्या इसका आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, तो ये आ गया। मैं अब क्या चाह रहा हूं ना, कि मैं चाहूं तब प्लस हो, मैं चाहूं तब माइनस हो, मतलब कंडीशन के आधार पे हो, मेरे इच्छाओं के अनुसार ये चलना चाहिए, जब मैं चाहूं तब प्लस हो। अभी क्या है कि अभी जैसे ही मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो माइनस और प्लस एक ही साथ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, माइनस ही सिर्फ होना चाहिए या सिर्फ प्लस ही होना चाहिए, तो इसका डिसीजन मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम सिक्वेंशियली चल जा रहा है, सीधा पूरा एग्जीक्यूट कर दे रहा है प्रोग्राम, हम मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो डिसीजन वगैरह लें हम, इसलिए क्या हुआ कि कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट जो है मार्केट में लाए गए। तो कुछ ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, मैं जब सतयुग में पढ़ाता था कभी विजुअल बेसिक, तो ये और चार्ट वार्ट बनाया था सतयुग मैंने काफ़ी पहले, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये विजुअल बेसिक के अकॉर्डिंग में बनाया था, हो सकता है कुछ जावा स्क्रिप्ट में हो या ना हो, लेकिन लगभग सारे हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है कि थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देखें तो इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 है, सीक्वेंस स्टेटमेंट है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट है। सीक्वेंस में के अंदर और कुछ नहीं है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट है और फिर अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या है, सिंपल इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, एल्स इफ लेडर है, स्विच है। अनकंडीशनल में गो, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये सब है। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या जो भी लूप होता है जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो भी लूप है। तो मैंने विजुअल बेसिक के अकॉर्डिंग बनाया था उस समय, तो वही मैंने आपको दिखा दिया। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। और कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट हम अभी देखते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है, हम डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा कथन कब चलेगा, किस कंडीशन पे चलेगा, किस शर्तों पे कौन सा कंडीशन चलेगा, कौन सा स्टेटमेंट चलेगा किस शर्त पे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जब चाहूँ तब प्लस हो, मैं जब चाहूँ तो माइनस हो, तो यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि मेरे इच्छाओं के अनुसार ये प्लस माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ का इस्तेमाल करेंगे, ये है इफ। इफ को अगर हिंदी में बोला जाए तो इफ का मतलब यदि हो जाएगा, दूसरे शब्दों में करूं तो अगर हो जाएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि ये हो जाता तो बड़ा अच्छा था। जैसे अगर आप 12 बजे रात को उठ जाते तो बड़ा अच्छा होता, हम क्लास कर लेते।
तो ये कंडीशन हो गया। अब इसको लिखा कैसे जाए इफ को, तो लिखना है इसको तो कैसे लिखा जाए, बड़ा आसान है लिखना इसको। इफ लिखेंगे फिर दे देंगे पैरेंथेसिस, इफ लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस दे देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देंगे। ये है आपका सिंटेक्स, ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें हम डिसीजन कैसे लेंगे कि कब माइनस होना चाहिए तो कब प्लस होना चाहिए, डिसीजन हमें लेना है ना यहाँ पे, तो कैसे लेंगे डिसीजन। तो इफ ये कहता है कि जो पैरेंथेसिस है, ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ट्रू आता है, मतलब हाँ यहाँ पे ट्रू आता है, हिंदी में बोले तो हाँ होता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रू और फाल्स तो कंप्यूटर के भाषा में हाँ और ना ही तो है, और तो कुछ है नहीं है कंप्यूटर के भाषा में, ट्रू फाल्स हाँ या ना है, हम हाँ ना कह लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ में अगर ट्रू आता है तो क्या करो, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे ओपन हुआ, 17 पे क्लोज हो गया, बीच में बचा 16, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें लिखा जाए वो क्या होगा, वो लाइन चलेगा, वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कब, जब इफ के अंदर ट्रू हो। इफ के अंदर जब ट्रू हो तब क्या होगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला लाइन चल जाएगा जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कंसोल लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे मैसेज क्या ले दे, क्या दे देता हूं, दे देता हूं ट्रू या जूई, या फिर रनिंग इफ ब्लॉक राइट। ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन क्लोज करा है ये कहलाएगा इफ का ब्लॉक, ये एक ब्लॉक हो गया इफ का। अब यहां पे ट्रू कैसे लाना है, तो ये दोनों लाइनों को थोड़े देर के लिए मैं कमेंट करता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया, ये कमेंट हो गया एक साथ, और यहां पे ट्रू, यहां पे ट्रू सीधा मैंने लिख दिया। ये वेरिएबल बनाया है, इसको अभी आप इग्नोर करिए, इस वेरिएबल का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं कहीं भी, कमेंट ही कर देता हूं इसका। आप सिर्फ क्या करें, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो मेरा सिलेक्टेड लाइन है वहां पे सिर्फ होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए। चलिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूं यहां पे, और चला दिया, तो यहां पे आ गया रनिंग इफ ब्लॉक। परंतु यहां पे मैं फॉल्स करता हूं, यहां पे मैंने फॉल्स कर दिया, मतलब नहीं, यदि क्या बोलता है, बोलता है मेरा शर्त मानो, यदि का मतलब मेरा शर्त मानिए, लेकिन यहां पे शर्त मैंने पढ़ दिया, जो भी शर्त था वो हाँ या ना में इवेलुएट किया जाएगा, हाँ है या ना है, शर्त अगर हाँ है तब चला दो इफ वाला ब्लॉक, लेकिन शर्त अगर, कंडीशन अगर नहीं है, मतलब फॉल्स है, तब क्या करो, इसको मत चलाओ, नहीं कुछ काम ही नहीं करेंगे हम, आप हमारा कंडीशन नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगा, अब रन करूंगा प्रोग्राम, तो क्या हो गया, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ। इफ का कानून कहता है कि यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे जो, जहां पे मैंने ट्रू लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है, और उस कंडीशन को ट्रू या फिर फॉल्स में कैलकुलेट किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है उस एक्सप्रेशन को, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का गणना किया जाता है, और गणना जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा, ग्रेटर देन लेस देन आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन में ट्रू या फॉल्स आएगा वो, और जो ट्रू और फॉल्स आएगा उसके आधार पे हमारा इफ का ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया तो ये ब्लॉक नहीं चला। अब यहाँ पे मैंने सीधा ट्रू फॉल्स लिखा था, क्या वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं वेरिएबल, कैसे लिखेंगे, तो हमने जो भी ऑपरेटर पढ़ा था, एंड और या फिर नीचे लॉजिकल, लॉजिकल या कंपेयर, ये वाला ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आप कह लीजिए, या फिर काफी साइट्स में कंपैरिजन ऑपरेटर भी रहता है, तो आपका जो मर्जी कह लो यार, ठीक है, तो इसी तरह के कंडीशन लिखते हैं हम यहाँ पे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, तो इसी तरह से हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा।
ये जो ऑपरेटर हमने पढ़ा था इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए वेरिएबल मैंने जो कमेंट करा था इसको मैं अनकमेंट करूंगा फिर से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के, और फिर यहां पे क्या करूंगा, ए डबल इक्वल टू बी। ए में क्या है 10, बी में क्या है 10, तो 10 यहां पे इंटरनली आ जाएगा 10 और ए के स्थान पे भी आ जाएगा इंटरनली 10। तो 10 और 10 इक्वल नहीं है क्या? इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो कंडीशन होगा ट्रू और हमारा इफ ब्लॉक जो है वो चल जाएगा। तो 10 10 इक्वल हो गया। अब 10 के जगह पे वेरिएबल हम लिख देंगे यहां पे, तो वेरिएबल का वैल्यू जो 10 है वो आ जाएगा। अब मैं वेरिएबल लिखा यहां पे, अब मैं इसको जो है चला दूंगा प्रोग्राम, तो यहां पे आ गया रनिंग इफ ब्लॉक, करेक्ट। तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, इफ का ब्लॉक जो है चल गया। मान लीजिए इसको मैं क्या करा, ग्रेटर देन कर दिया यहां पे इसे। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ए सबसे पहले क्या होगा, इफ ये ग्रेटर देन नहीं है, ये लेस देन है। तो क्या हम करेंगे, इफ ए लेस देन बी, तो ए जो है वो लेस देन तो होता ही नहीं है बी, मतलब ए का वैल्यू 10 है। मैंने अगर यहां पे सीधा लिख दूं 10 और यहां पे सीधा लिख दूं 10, तो 10 कभी लेस देन 10 नहीं होता, 10 10 से छोटा कभी होता ही नहीं, और ना ही ग्रेटर देन होता है ना ही बड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां पे क्या हुआ, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ ब्लॉक जो ये देखिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ए लेस देन बी कर दूंगा और फिर इसको चला दूंगा प्रोग्राम, तो यहां पे कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन यही क्या करूंगा, यहां पे डबल इक्वल लगा दूंगा या फिर डबल इक्वल का तो हमने उदाहरण देख ही लिया, हम क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू लगा देंगे। अब क्या बोल रहा है, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब क्या कह रहा है ये कि लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो, या तो ए जो है छोटा होना चाहिए बी से या फिर ए जो है बी के बराबर होना चाहिए। इफ यदि ए छोटा है या बराबर है बी के, तब क्या करो, इफ ब्लॉक चला दो, मतलब कंसोल डॉट लॉग जो मैंने करा है वो चल जाएगा। तो ये लीजिए मैंने इसको जो है चला दिया और जो है आ गया।